सो दोस्तों फाइनली पहुंच गया भैया का दुकान के सामने। भैया लेके आ रहे हैं। दोस्तों मैं तो पहुंच गया रेंजा का बाजार में। अभी मैं उनको तो दोस्तों मैं तो पहुंच गया, ये वाला गली से लेके आना है, लेकिन गाड़ी नहीं आएगा मुझे थोड़ा। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों आज मैं थोड़ा देरी से निकल रहा हूँ घर से, क्योंकि आज घर में कुछ काम था दोस्तों, तो वही काम खत्म करने के बाद ही निकल रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं लाभान में ही हूँ, जा रहा हूँ उस चैन पे दोस्तों डायरेक्ट, जाके देखते हो आज तो और देरी हो गई, लेकिन एक भी कॉल नहीं आया दोस्तों। देरी तो हुआ मुझे निकलने में, लेकिन एक भी कॉल नहीं आया। सोचा सोचा के बैठूंगा दोस्तों स्टैंड पे और देखूंगा काम कुछ मिलता है कि नहीं आज। कभी कभार दोस्तों बात ये होता है, पहले जब मैं देरी से निकलता था घर से तो फोन आ जाता था कि आप काम है, लेकिन आज अभी बोल रहा हूँ अभी ऐसा कुछ होता ही नहीं है, फिर कॉल वगैरह कुछ नहीं आता दोस्तों कभी भी। देखिए टाइम हो रहा है दोस्तों एक, अभी मैं निकल रहा हूँ, चले जाते हैं दोस्तों स्टैंड पे। दोस्तों डायरेक्ट स्टैंड पे जाके बात करते हैं। सो दोस्तों फाइनली पहुंच गया जी एस रोड, मतलब अब तक स्टैंड पे नहीं पहुंचा दोस्तों, बस पहुंचने वाला हूँ, सामने ही हूँ, कुछ जाके करते हैं दोस्तों वेट। टाइम हो रहा है दोस्तों 1:32, पहुँचते पहुँचते 1:32 हो गया दोस्तों। देखते हैं दोस्तों आज काम मिल पाता है कि या नहीं, क्या होता है, करते हैं इंतज़ार दोस्तों, मिलते हैं कोई काम आएगा साथ साथ। मैं लगा रहा हूँ जा डायरेक्ट जब जाके अभी स्टैंड पर लगाऊंगा गाड़ी, तो करते हैं वेट। 1 hour later। सो दोस्तों फाइनली एक घंटा बैठने के बाद में टाइम हो रहा था दोस्तों 2:30, तो एक कॉल आया भैया का दुकान से, मुझे एक फ्रिज लेके जाना है रेंजा दोस्तों। तो वही बात है, तो मैंने गाड़ी तो घुमा लिया है, जा रहा हूँ भैया का दुकान में जाके, एक ही फ्रिज है या फिर और कुछ है कुछ मालूम नहीं है। तो मुझे तो बोला है भैया ने शायद फ्रिज ही होगा, शायद मुझे लग रहा है जितना, तो जाके ढाल के भी दिखाता दोस्तों। चलिए अभी चलते हैं डायरेक्ट भैया का दुकान में, जो है मेरा पास में ही सामने में ही, सुन भी तो जाके ढाल के दिखाता हूँ। दोस्तों फाइनली पहुंच गया भैया का दुकान के सामने, भैया लेके आ रहे हैं, मैं ढाल के दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए सैमसंग का फ्रिज, तो चलिए निकलते हैं, जाना है दोस्तों रेंजा में। अभी कस्टमर का नंबर मुझे मिल चुका है, तो कस्टमर को कॉल कर लेता हूँ, पर जाना है घुमा के यहाँ से। दोस्तों बात ये है, यहाँ से तो मैं बिंदास जा रहा हूँ बिना ट्रैफिक जाम मिले हुए, कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं है दोस्तों यहाँ में, लेकिन स्कूल तो छुट्टी हो गया है दोस्तों, शायद आगे जाके मिल भी सकता है, आगे जाके अगर ट्रैफिक जाम मिल जाएगा तो टाइम लग जाएगा दोस्तों मुझे सोचने में, वही बात है। अभी डाल के निकलते निकलते मुझे टाइम हो गया 2:45 दोस्तों, 15 मिनट लग गए जाके ढाल के निकलते निकलते, तो 5 मिनट में ही मैं यहाँ पहुँच गया दोस्तों। सोचिए टाइम हो रहा है 2:50, 5 मिनट में मैं यहाँ पहुँच, एक्चुअली रास्ता अगर खाली होता है दोस्तों तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको मालूम नहीं है, और अगर ट्रैफिक जाम मिल जाएगा दोस्तों तो खत्ता पत्ता ही नहीं, अधूरी कहानी रह जाता है दोस्तों, हर टाइम ऐसे ही होता है। लेकिन फिलहाल तो मुझे, मैं तो पहुँच पाऊँ पॉइंट पहुँच गया, लेकिन यहाँ पर भी कोई ट्रैफिक जाम है नहीं, वही बात है, तो बहुत जल्दी निकल सकता हूँ यहाँ से, अगर आगे मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ में तो फिलहाल है नहीं, तो पूरा खाली नहीं आता हूँ। दोस्तों चलते हैं फटाफट, मतलब फटाफट नहीं। तो दोस्तों मिल गया ट्रैफिक जाम,
एक्चुअली होगा ही ट्रैफिक जाम क्योंकि दोस्तों जस्ट स्कूल छुट्टी हुआ ही है, इसी वजह से वही बात है। खाली सिर्फ सैटरडे को ऑफिस बंद रहता है और स्कूल भी बंद रहता है, तो इसी वजह से इतना ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन स्कूल का और ऑफिस का एक्चुअली नहीं होता। वैसे तो ट्रैफिक जाम होता ही है क्योंकि सैटरडे को स्कूल ऑफिस सब कुछ बंद होता है, तो एक दिन छुट्टी मिलता है तो सभी मार्केटिंग करने आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं दोस्तों, इसीलिए थोड़ा ट्रैफिक जाम हो जाता है कभी कभार, ज़्यादातर ही सैटरडे को। तो थोड़ा जा रहा हूँ, फिर रुक रहा हूँ, अभी फिर से रुक गया गाड़ी दोस्तों, देखिए रुक गया, वही बात है। चले दोस्तों चलते हैं, धीरे धीरे क्या करेगा, जाना ही पड़ेगा धीरे धीरे करके। तो मैं आया हूँ उस तरफ तो और ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा तब भी इतना तक तो आ गया बिना ट्रैफिक जाम का, अभी मिल रहा है, वही बात है। चलिए चलते हैं। ट्रैफिक जाम से तो मैं निकल गया फाइनली, ज़्यादा इतना नहीं था ट्रैफिक जाम, तो वहाँ से आने से तो मुझे मिलता था दोस्तों, लेकिन यहाँ से आया हूँ इसी वजह से नहीं मिला इतना ट्रैफिक जाम मुझे, तो फटाफट निकल गया मैं जहाँ पे एक्चुअली ट्रैफिक जाम लगता है, क्योंकि यहाँ पे भी स्कूल है दोस्तों, फोर्ट फलंग में भी बहुत ही स्कूल है, इसी वजह से यहाँ पे भी ट्रैफिक जाम लगता है। और आपको मालूम ही है एक्चुअली मेन ट्रैफिक जाम तो लगता है दोस्तों लाइमोक्रा में, लाइमोक्रा होके मैं जाता था दोस्तों। एक्चुअली बात यह है रेंजा जाने का शॉर्टकट रास्ता एक्चुअली लाइमोक्रा ही है दोस्तों, यहाँ से थोड़ा घूम के जाना पड़ता है एक्चुअली, फोर्थ फलोंग डैमसुजोंग होके फिर एमईएस का, अभी जो मैं रास्ता में हूँ एमईएस का रास्ता, यहाँ से फिर मुझे मिलेगा आगे में नोंगरी मिल्स, तो उसका आगे में जाके फिर यहाँ से आने से एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही घूमना पड़ता है दोस्तों। और अगर मैं रायमोग्रा होके जाता था दोस्तों, तो रायमोग्रा मुझे घुसना नहीं पड़ता था एक्चुअली, धान की थी पॉइंट से सीधा जो सेंट हनुमान कॉलेज का जो रास्ता है वहाँ से सीधा आ जाता था, लेकिन ज़्यादा ही ट्रैफिक जाम होता है दोस्तों, इसी वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एक्चुअली थोड़ा उतरा नहीं कभी कभार पूरा कमती ट्रैफिक जाम मिलता है, जैसा अभी मैं आया हूँ इतना ट्रैफिक जाम मुझे इतना नहीं मिला, मिला तो है थोड़ा बहुत दोस्तों लेकिन इतना नहीं मिला, वही बात है, इसी वजह से मैं यहाँ से आया हूँ। कभी कभार दोस्तों यहाँ पे भी लग जाता है कुछ ज़्यादा, लेकिन कभी कभार ज़्यादातर नहीं होता है, वही इसी वजह से ज़्यादातर गाड़ी स्कूल वगैरह छुट्टी होने से यहाँ से आते हैं, वही बात है। जाने का टाइम तो इतना ट्रैफिक जब नहीं मिलेगा शायद, मुझे लग रहा है क्योंकि तो मैं पहुँच गया दोस्तों नोंगरी मिल्स, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जम होगा थोड़ा, यहाँ से ज़्यादा नहीं क्योंकि पास होता रहता है गाड़ी, यहाँ से घुसता है यहाँ से निकलता है, यही बात है दोस्तों, थोड़ा लग गया, फिर से आगे आगे बढ़ते जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट कस्टमर का तो बात हो चुका है मेरा साथ, लेकिन उन्होंने बोला है कि उधर पहुँचने का बाद में वहाँ पे एक मॉर्निंग का स्टूडियो बोल के वहाँ पे पहुँचने के बाद में कॉल करने के लिए, तो चले दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट उधर ही। तो दोस्तों मैं तो पहुँच गया रेंजा का बाजार में, अभी मैं उनको कॉल करके बोल देता हूँ उनको रास्ते में रुकने के लिए, रास्ते में रुकने से गाड़ी का नंबर तो पहचान जाएगी दोस्तों, सही बात है। चलिए चलते डायरेक्ट वहाँ पे जहाँ पे डिलीवरी देने थे। तो दोस्तों मैं तो पहुँच गया, ये वाला गली से लेके आना है, लेकिन गाड़ी नहीं आएगा, मुझे थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा उनका, तो फटाफट सामान उतर के निकल दे दोस्तों। A few inches later. तो दोस्तों सामान मैंने उतार दिया है, तो ये ऊपर रखा था गाड़ी और वो जो रास्ता दिखाई दे रहा है दोस्तों वहाँ से भी गया था, तो गाड़ी तो यहाँ पर रख के मुझे थोड़ा हेल्प करना पड़ा उनका, तो थोड़ा बुजुर्ग आदमी है इसी वजह से थोड़ा हेल्प कर दिया मैंने दोस्तों, तो वही बात है। तो चलो दोस्तों निकलते हैं, सामान तो मैंने डाल दिया है अभी। डायरेक्ट दोस्तों स्टैंड पे, और टाइम कितना हो रहा है
टाइम हो रहा है दोस्तों, जल्दी आ जाओ, 3:32। तो चलो दोस्तों निकलते हैं, जाते हैं डायरेक्ट स्टैंड पे। तो दोस्तों जो गली से मैं अभी भी निकला हूँ, इतना छोटा गली था दोस्तों, पूरा गाड़ी का साइज का, तो थोड़ा भी इधर उधर होने से लग जाता था दोस्तों, ज़्यादा ही छोटा। एक्चुअली ये मतलब गली है, एक्चुअली रास्ता नहीं, छोटा बाइक स्कूटी घुस सकते हैं, गाड़ी के लिए थोड़ा तकलीफ होता दोस्तों, कोई बात है। तो मैं पहुँच गया रंजा पॉइंट में, तो सीधा मुझे जाना है डायरेक्ट स्टैंड पे। चलिए दोस्तों चलते हैं, जाके देखते हैं और कुछ होता है कि नहीं। सो दोस्तों फाइनली पहुंच गया जीएस रोड, स्टैंड पे लगाया हुआ है, आगे में गाड़ी है, पीछे में भी गाड़ी है, हर तरफ गाड़ी है, दोस्त लोग बैठा हुआ ही है, किसी का आज है ही नहीं। तो मुझे तो मिल चुका है एक, तो वही बड़ा बात है दोस्तों। तो अभी वेट करते हैं दोस्तों, टाइम हो रहा है दोस्तों 4, तो देखते हैं और कुछ मिलता है कि नहीं, या फिर रोज़ का जैसा हर एक काम मिलता ही है, रोज़ वही एक काम हो गया बस, इतना ही है कि और होता है। तो इंतज़ार करते हैं दोस्तों, देखते हैं, मिलते हैं दोस्तों। 5 hours later। सो दोस्तों फाइनली आ गया घर में, मैं बैठा हुआ था जीएस रोड में, उसका बाद में मैं गया ऑकलैंड, फिर मैं जीएस रोड वापस नहीं आया दोस्तों, ऑकलैंड में बैठा रहा, बैठते 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 टाइम हो गया दोस्तों, कोई भी किसी का कॉल भी नहीं आया। तो सभी मैंने दोस्त लोग को भी कॉल किया, तो सभी घर चले गए जल्दी, क्योंकि किसी का भी काम नहीं हुआ। सो शुक्र है कि मुझे एक काम तो मिला है, तो वही बड़ा बात है दोस्तों। तो आज का वीडियो मैं इधर एंड करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, तो प्लीज़ घंटी दबा दीजिएगा याद करके दोस्तों। तो आज के लिए ब्लॉग इतने दोस्तों, फिर कल में देखने ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।